हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं 25 को आपका शायद एग्ज़ाम है रिटर्न एग्ज़ाम और 28 को आपका जो है इंटरव्यू है, तो इस दौरान आप कैसे आएंगे और जो है कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपको क्या कैरी करना है क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में ये वीडियो है। और प्लस जो है कि आपके रिटर्न एग्ज़ाम प्लस आपके इंटरव्यू के बीच में जो टाइम गैप है उसका आप कैसे यूज करेंगे, इस वीडियो में आपसे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और बहुत कुछ आपको जानने आपको मिलेगा इस वीडियो में। पहली बात कर लेते हैं, देखिए पहला प्रोसेस ये था कि रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में, तो उसके बारे में मैंने दो वीडियो बनाए हैं रिटर्न एग्ज़ाम पर जिसको आप देख सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और आपको क्वेश्चन कैसे खुद से भी आपको डिज़ाइन करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन मेगालिथिक है तो आप न्यूलिथिक मेगालिथिक में अंतर पढ़ लीजिए, मेसोलिथिक न्यूलिथिक में अंतर पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो भी अगर आपको लगता है तो आप उसको बढ़ते जाइए, अपने अकॉर्डिंग खुद आप क्वेश्चन को डिज़ाइन कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे जितने भी युद्ध हुए हैं अभी तक इंपॉर्टेंट युद्ध, जैसे खानवा का युद्ध हुआ है, पानीपत का युद्ध हुआ है, वो कब हुआ है, किन के बीच में हुआ है, ये सब थोड़ा बहुत आप मिडवेल से देख लीजिएगा, ठीक है। कॉइंस जैसे कि राजा रानी टाइप के कॉइंस, सॉरी राम और सीता टाइप के कॉइंस जो है कि अकबर ने चलाए थे, ठीक है। जोड़े कॉइंस मतलब राशि अंकित सिक्के किसने चलाए थे, तो वो शायद जो है कि जहांगीर ने चलाए थे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर रहना जरूरी है कि कौन किसने चलाया, थोड़ा बहुत इनको भी देख लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट वाला आप उसको अच्छे से रिविजन कीजिएगा, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे, चूँकि लास्ट टाइम आया था, हो सकता है कि चेंज कर दे, मगर बहुत ज़्यादा चेंजेस की संभावना मुझे नहीं लगता, ठीक है। प्लस जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आप पूरा एक बार देख लेना कि कितने आपके पास 40 के आसपास वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए इंडिया में, तो वो कौन कौन से साइट है। बेसिकली आपको सबके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको कुछ मोटा मोटा बताया है कि आपको इसको फोकस करना है, जैसे महाबलीपुरम हो गया, जैसे आपका जो है कि रेड फोर्ट हो गया, प्लस आपका आगरा का ताजमहल हो गया, प्लस जो गोमतेश्वर बाहुबली है, डांसिंग गर्ल है, प्लस जो है कि आपका वो जो एक पृष्ठ पाया गया है मोहनजोदड़ो से, उसके बारे में आप जो है कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको फिगर देगा आइडेंटिफाई करने के लिए। प्लस एक क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें एक मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ किसी साइट विजिट के बारे में आपको लिखना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि आप लाल किला गए, तो लाल किला में आपने क्या देखा, लाल किला किस स्टोन का बना हुआ है, उसमें कितने गेट हैं, लाल किला में कोई था 3-4 गेट है, और उसके बाद जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, मोती मस्जिद है, उसमें खास महल है, आम महल है, बहुत सारी मतलब मोनूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, उसी में आपका इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का पहले इंस्टीट्यूट था, अब उसको म्यूजियम बना दिया गया है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है क्या देखा है आपको वही लिखना है, और वो क्वेश्चन आपके लिए सबसे ईजी है मैं बता दूँ, तो आप उस पर जो है कि ज़्यादा लंबा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका रिटर्न एग्ज़ाम का सीन हो गया। अब हम इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरव्यू अगर आप देने आएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डिमोरलाइज करेंगे, जो ये कहेंगे कि उनका हो जाएगा या उसका हो रहा है, ठीक है, या कहेंगे कि उसका अप्रोच है या उसका पकड़ है, कैचमेंट है, इसलिए उसका हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है और इस पर आपको बिल्कुल भी बहस नहीं करनी, कोई कह रहा है उसे कहने दो, कुछ नहीं होता है। इतना आप मान के चलना कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके मेहनत के दम पे होगा, किसी के अप्रोच से। अक्सर जिनका नहीं होता है वो ये बात कहते हैं कि अरे उसका पकड़ था इसलिए उसका हो गया, तो आपको इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका होगा तो आपके दम पे होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बात समझ रहे हो आप, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं आपसे कि अगर जब आप यहाँ आएंगे तो कैसे आएंगे। मान लो कि अपने घर से आप आ रहे हो, अगर आप लोकल हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप दूर से हो, एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो आप महाराष्ट्र से हो या फिर आप बनारस से हो या फिर आप जो है लखनऊ से हो, ठीक है, चूँकि बच्चे बहुत दूर दूर से भी आते हैं, तो पहले तो आप आएंगे कहाँ पे, दिल्ली आएंगे, तो आप अपना टिकट जो है न्यू दिल्ली के लिए कीजिएगा, ठीक है, और न्यू दिल्ली के लिए कीजिएगा, तो वहाँ से जो है कि आपका पास में ही पड़ जाएगा, आपका रेड फोर्ट पास में पड़ जाएगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आपका एग्ज़ाम अगर 25 को है तो कहीं ना कहीं आप 24 तक पहुँच जाएंगे, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। तो 24 को है संडे, 25 को है मंडे, तो
तो 24 को आपके पास एक ऑप्शन है बार्गेनिंग करने का, बुक्स बाय करने का। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था एक दिन की, अगर आप संडे मार्केट चाहें तो जा सकते हैं वहाँ से। तो संडे मार्केट आप कर सकते हैं, आपके पास 10 बजे से लगता है टाइमिंग, 24 को, उस दिन आपका एग्ज़ाम भी नहीं है। तो अगर आप किताब खरीदना चाहें तो संडे मार्केट जा सकते हैं, बेसिकली वो दिल्ली गेट के पास में ही है, ठीक है, रेड फोर्ट के पास में ही है। और मैं एक बार बता दूँ आपको कि चोर मार्केट भी वहाँ लगता है जामा मस्जिद के पास में, संडे को ही लगता है। और जितना सुबह अगर आप वहाँ पहुँच जाए, जितना मॉर्निंग में, आपके लिए उतना अच्छा होगा। आप वहाँ से भी चीज़ों को बाई कर सकते हैं, और चीज़ें वहाँ बहुत सस्ती मिलती हैं चोर मार्केट में, बहुत सस्ती, ठीक है। इवन कपड़े से लेके जूता, मतलब शूज से लेके सब कुछ आपको मिल जाएगा, बेल्ट, पर्स, एवरीथिंग। लेकिन अगर आप चोर मार्केट जाएँ 24 को मॉर्निंग में, जितना सुबह पहुँच सकते हैं, 4 बजे भी पहुँच जाएंगे, 5 बजे, तब भी आप वहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप वहाँ जाएँ, और अगर आपके पास बैग हो तो बैग को अपने आगे रखें, आगे टाने, पीछे नहीं। पीछे रखेंगे तो आपका पर्स गायब हो जाएगा, पैसे गायब हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हो गया चोर मार्केट। अगर आपको चोर मार्केट मार्केटिंग करनी हो तो आप जो है संडे को सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे, अगर आप जामा मस्जिद के पास में, और जामा मस्जिद आपका रेड फोर्ट के जस्ट पास में ही है, ठीक है, तो वहाँ बाई कर सकते हैं। प्लस जो है जामा मस्जिद के पास में ही आपका जो है बुक मार्केट लगता है, वहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास जो है कि बुक मार्केट लगता है, और वो आपका 10 बजे से शुरू होता है। तो अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी हो तो वहाँ से आप किताबें भी खरीद सकते हैं। एक तरह से मतलब कि आपका यहाँ के साथ साथ आप एक काम एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, इन सब का भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। इवन आर्कियोलॉजी की भी किताबें वहाँ मिल जाती हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। इतना आपको हो गया। उसके बाद आप कैसे आओगे, मान लो दिल्ली अब उतर गए न्यू दिल्ली स्टेशन पे, अगर आप वहाँ से कार करोगे इंस्टीट्यूट आने के लिए, तो आपको जो है कि 600 के आसपास आपको चार्ज देना पड़ेगा अगर आप ओला बुक करोगे तो। वही अगर आप मेट्रो पकड़ लोगे, मेट्रो से अगर आप आओगे तो आपको सिर्फ 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और कैसे आना है, आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है कि न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन टू नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन, ठीक है। आपको पता है कि नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में इंस्टीट्यूट है, और वहाँ से आप पैदल लिया जाएंगे, 400 मीटर का रास्ता है, कुछ नहीं है, आपको कोई ऑटो कोई ओला कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। वहाँ पे ऑटो वाले हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन आपको बनना नहीं है, आप पैदल आ जाएंगे, ठीक है, कोई दूर नहीं है। और एक बात आपको बतानी थी मुझे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास फ्रेंड हैं या फैमिलीज हैं या फिर रिलेटिव्स हैं स्टे करने के लिए दिल्ली में, तो आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, अगर आप होटल में स्टे होना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट के पास में, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक लोकेशन है जिसका नाम है अल्फा वन, ठीक है। तो आप अल्फा वन जाके वहाँ स्टे हो सकते हैं, वहाँ बहुत सारे होटल्स हैं, आप वहाँ पे जो है कि किफ़ायती रेट में आप वहाँ स्टे हो सकते हैं, क्योंकि आपका रिटर्न से लेकर के इंटरव्यू के बीच में आपका एक लंबा गैप है 1-2 दिन का, तो कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा ना, तो आप वहाँ स्टे हो सकते हैं, ठीक है। अल्फा वन में आप उसका लोकेशन सर्च कर लेना, नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के जस्ट आगे वाला स्टेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इतना तो आपका हो गया। प्लस जब आप इंस्टीट्यूट आइएगा तो खाने पीने का अपना सामान लेके आइएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अगल बगल कोई भी खाने पीने का सामान आपको नहीं मिलेगा, इधर कोई भी शॉप्स नहीं है, ठीक है, चूँकि ये हाईवे पे है तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, सपोज करो कि अगर आप बनारस से आ रहे हो और आप बस से आ रहे हो, तो आप सीधे इंस्टीट्यूट पे रुक सकते हैं, सामने ही, मतलब ये सामने से वो गरीब बस गुजरता है दिल्ली के लिए। तो अगर आप बस से अगर आ रहे हैं बनारस की तरफ से, तो आप सीधे इंस्टीट्यूट रुक सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आएंगे तो आपको दिल्ली से वापस आना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो खाने पीने का सामान ले लीजिएगा, प्लस अगर आपने कुछ नोट्स बनाए हैं तो उसको आप कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा देख लेंगे तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, बेसिकली आपका जो लोकेशन है, आपका जहाँ जो घर है, और प्लस जहाँ से आपने पढ़ाई की है, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन होंगे, और आपने जो पढ़ा होगा। अगर आप ये कहेंगे कि मेरा बैकग्राउंड आर्कियोलॉजी है, तो आर्कियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप कहेंगे एपिग्राफी है, तो एपिग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए वो पूछ दिया आप घर कहाँ है, आपने कह दिया अगर गाजीपुर है, तो गाजीपुर में जो भी इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में आप अच्छे से पता कर लेना, जो भी मॉन्यूमेंट हो अच्छे उसके बारे में पता कर लेना, जो आर्कियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। आपके लोकेशन से क्वेश्चन होंगे इस तरीके से, प्लस आपने जहाँ से पढ़ाई किया है वहाँ के बारे में पूछ सकते हैं कि डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है,
वहाँ पे क्या खुदाई चल रही है कि नहीं चल रही है, या कुछ नया काम चल रहा है नहीं चल रहा है, वो देखेंगे कि आप कितना अपडेट हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गया है, इस तरीके से आप आ सकते हैं। फर्दर अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कि कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने आपको एक वीडियो मैंने बताया था कि कमेंट करते वक्त आप ध्यान दीजिएगा, कुछ हैकर भी हैं जो ग्रुप मतलब कमेंट करते हैं, तो उनके आप लिंक पे कभी क्लिक मत कीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि एक मेरा फ्रेंड था जिसका जो है कि 1 लाख के आसपास रुपए उसके अकाउंट से इसी गलती की वजह से चले गए यू में। ठीक है, तो आप ऐसे गलती ना कीजिएगा। तो ये रहा पूरा सीन, इस तरीके से आपको आना है। अगर आप मेट्रो कैच करेंगे तो आप मेट्रो जो है कि बहुत इजीली कैच कर लेंगे और आपके पैसे भी काफ़ी बच जाएंगे, तो आप जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास वक्त हो, बीच में आपके पास 2 दिन का गैप है, तो आप एक जगह घूम सकते हैं। रेड फोर्ट तो लोग जाते हैं घूमने के लिए बीच में, जिनके पास वक्त मिलता है। लास्ट टाइम हम मतलब जो आए थे वो लोग भी गए थे। तो रेड फोर्ट कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स भी घूम सकते हैं। उसके बाद अगर आप और भी घूमना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अक्षरधाम चले जाना। अक्षरधाम जो है कि बहुत खूबसूरत एक टेम्पल है, और वहाँ पे जो है कि रात में अगर आपके पास वक्त मिले तो आप नाइट का जो है कि लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अमेजिंग है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। प्लस अगर आपको बाइंग करना है, मतलब अगर आपको कपड़े कपड़े खरीदने हो तो खान मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो तो आप जो है नेहरू पैलेस से खरीद सकते हैं, नेहरू पैलेस दिल्ली में ही है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए मेरा मानना है कि अगर आप एक काम से आ रहे हैं तो एक काम से तो और भी काम अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। नेहरू पैलेस में आपको क्या मिलेगा कि मान लीजिए कोई लैपटॉप 40 हज़ार का है, तो आपको वहाँ पे जो है कि 32 हज़ार का मिल जाएगा, 25 हज़ार का मिल जाएगा, 4 से 5 हज़ार रुपये के बच जाएंगे। खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो